बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम और आप खुल्दाबाद शरीफ की सरजमीन पर मौजूद हैं और हमारी इस वक्त की जो पहली हाज़री है वो सैयद दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्हें 22 ख्वाजा कहा जाता है उनकी बारगाह में हम हाजिर हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं कि इनकी पैदाइश शिराज़ में हुई और ख़ास बात इस बुज़ुर्ग की ये है कि ये हुसैनी सादात में से हैं, हुसैनी सहीहुन नसब सैयद हैं और इनका सिलसिले नसब 22 वास्तों से जाकर अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। ख़ास बात और ये भी है कि जिस तरह से आपका सिलसिले नसब 22 वास्तों से जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, उसी तरह शिजरे तरीक़त और बायत व खिलाफत भी 22 वास्तों से जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुत्तसिल हो जाता है। ये बुज़ुर्ग हैं जिनकी विलादत शिराज में हुई और शिराज के बाद आपने इल्मे दीन हासिल करने के लिए बगदाद मौला का सफ़र किया। बगदाद शरीफ के बाद आपको किसी पीरे कामिल की तलाश थी तो आप दिल्ली तशरीफ़ लाए। आप दिल्ली आकर के मुकीम हुए, वहाँ बहुत सारे उलमा मशायख से आपकी मुलाकात हुई। उस दरमियान में हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हुए कि दिल्ली जो राजधानी थी उस वक्त भी, तो वहाँ से पाया तख्त मुंतकिल करके तुगलक को दौलताबाद लाना पड़ा, जिसका पुराना नाम देवगढ़ या देवगिरी है। जब तो तुगलक ने यह फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान के हालात के तहफ़ के लिए दिल्ली छोड़कर पाया तख्त दौलताबाद को बनाना होगा, तो उसने सिपाह को उलमा मशायख और सब को दौलताबाद मुंतकिल होने के लिए हुक्म जारी कर दिया। हज़रत सैयद दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने असातिज़ा के साथ दौलताबाद तशरीफ़ लाए। आप जब आए तो चूँकि उस वक्त आपके पास ज़ाहिरी उलूम के गोया के समुंदर ठाटे मार रहे थे, आपने सुना होगा कि अहले जवाहिर बहुत जल्दी मशायख और पीराने तरीक़त और सूफिया पर इत्तेफाक नहीं करते। ऐसे ही कुछ हाल हज़रत सैयद दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी था। आप आलिम तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े अजीम दाईये इस्लाम भी थे, लेकिन सूफिया और मशायख से आपको लगाव न था और ना ही मोहब्बत थी, बल्कि आप सूफिया पर और अहले तरीक़त पर कभी कभार तान भी फरमाते थे। उन्हीं दिनों की एक बात यह है कि जब आपने तदरीस की मसनद सजाई और लोग आपके पास जौक दर जौक उलूम के हुसूल के लिए आने लगे, तो उस वक़्त इस सरज़मीन पर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अजीम खलीफा हज़रत सैयदी बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलायत के चर्चे थे। लोग आपसे बड़ी तादाद में मुरीद थे और कुछ मुरीदीन हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत सैयदी दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास उलूम के हुसूल के लिए जाया करते थे। आप दौरान दर्स कुछ बातों पर हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब की शख्सियत पर कलाम फरमाते, मुरीदीन को बुरा लगता लेकिन चूँकि उस्ताद थे कोई जवाब न देते। एक दिन एक शागिर्द ने कहा, हज़रत आप हमारे पीर के ख़िलाफ़ कुछ बातें करते हैं लेकिन हमारा पीर आपके मुतालिक कभी कुछ नहीं कहता। हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस शागिर्द से कहा, अगर तेरे पीर पर तुझे इतना एतमाद है
तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल दरपेश हैं कि जिसको मैंने जब जब जहाँ जहाँ ज़िंदगी में इल्मी मसाइल में मैं उलझा और अपने असातिज़ा से मैंने सवाल किया तो उन सवालात के जवाबात मुझे न मिल सके। ऐसे परेशान कुन सवालात को मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है। अगर तेरा पीर इन सवालों के जवाबात दे दे तो मैं समझ जाऊँगा कि पीर कामिल है। अल्लाहु अकबर। वो सवालात की डायरी जैसे ही उस मुरीद के हाथ में थमाई गई, वह मुरीद बोझल कदमों से बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने देखते ही मुस्कुराया, बोझल कदमों से आने की वजह क्या है? तो कहा, मौलाना दाऊद हुसैन साहब ने ये परेशान कुल सवालात की फहरिस्त दी है। आपने सवालात देखे बगैर फरमाया कि मेरी मसनत के नीचे एक डायरी रखी हुई है जिनमें इनके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हैरत की बात यह थी, जब वो डायरी उन्होंने हाथ में ली तो जिस तारीख को जिस दिन आपने सवाल लिख रखा था उसी तारीख को उसी दिन हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ने उसका जवाब लिख रखा था। जब जवाब उन्होंने मुलाहिज़ा किया तो हकीकत का इंकशाफ हो गया और आपने फैसला किया कि अब तक मैं मुगालते में था, मुझे ऐसी शख्सियत से दूर नहीं रहना चाहिए था, लेकिन आपके लिए करीब जाने में एक मसला सेमा का मसला था। अब भी एक मसला ये था कि वो तो सेमा सुनते हैं और अहले ज़ाहिर के नज़दीक इसमें बहुत इख्तलाफात हैं। आप ने सोचा कि जाएं या ना जाएं, फिर आखिरकार बाबा बुरहानुद्दीन की कशिश आपको खींच ले गई। जिस वक़्त आप तशरीफ़ ले गए उस वक्त भी बाबा बुरहानुद्दीन गरीब की महफिल सजी हुई थी। जैसे ही आपने कदम आगे बढ़ाए बाबा बुरहानुद्दीन ने फरमाया कि शरीयत की तलवार नंगी तलवार आ रही है, इसलिए अहले सिमा से कह दो कि वो सिमा को बंद कर दें। सिमा बंद कर दिए गए, आलात सिमा पर्दे के पीछे छुपा दिए गए। ऐसे में हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह गए और कदमों पे गिर गए। उसके बाद आपने पूछा कि सिमा के मुतालिक क्या है, तो जैसे ही पर्दा हटाया तो क्या देखा कि वो आलात जिन पर सिमा के अशआर पढ़े जा रहे थे उन आलात खुद ब खुद हालत वजद में हैं और उनसे ज़िक्र इलाही की आवाज़ ज़ाहिर हो रही है। इस चीज़ को देखकर सारे शुबहात दूर हो गए और फिर आपने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि अहल के लिए चंद शराइत के साथ सिमा जो है वो जायज़ है और ये अहले तरीक़त के लिए रूह की ग़िज़ा है। यकीनन आज उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों ने शामिल कर दी है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। अलबत्ता हमारे बुज़ुर्गान चिश्त जिन शराइत के साथ सिमा को जायज़ कहते हैं उससे किसी भी अहलुल्लाह को इनकार नहीं हो सकता। बहरहाल हज़रत दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह को मुरीद किया गया और मुरीद होने के बाद एक तवील अरसे तक मुर्शिद ने अपनी खिदमत में रखा और वो सब कुछ अता कर दिया जिसकी वो तलाश में थे। और बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल से 10 माह पहले आपको खिलाफत व इजाज़त अता की। आपका नाम दाऊद है, सैयद दाऊद इब्ने हुसैन, लेकिन आपको ज़ैनुद्दीन का लक़ब पीर व मुर्शिद ने अता फरमाया। और फिर हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब तक हयात रहे दीन मतीन की खिदमत और तबलीग करते रहे। बिल आखिर ऐसा हुआ कि रबी अव्वल शरीफ के अय्याम में आपकी तबीयत इंतहाई अलील हुई, ज़ुकाम का और तप वगैरह का गलबा रहा। आपकी आदत करीमा ये थी कि आप हर साल रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को बहुत धूमधाम से सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जश्न किया करते थे और पीर व मुर्शिद से जो जुब्बा उनको नसीब हुआ था उसकी ज़्यारत भी उसी तारीख को करवाते थे। आपने उस महफिल के अख्तिताम के बाद तबीयत ने अलालत पकड़ी और बिल आखिर आप जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी अशरे में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अल्लाह तबारक व ताला आपके फ्यूज़ व बरकात से हम सबको मालामाल फरमाए। इंशाल्लाह आइंदा की क्लिप में, आइंदा की नशिश्त में हम सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा आपको पीर व मुर्शिद से मिला था हम उसका तस्करा करेंगे।
यहाँ इख्तिसार मलहूज है, वरना और भी बहुत सारी करामतें आपकी ज़िंदगी के अंदर मिलती है जिसका ज़िक्र यहाँ पर बहुत तवील होगा। इसलिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बाफैज़ आस्ताने से हमारे कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं और हम सब की मुरादें पूरी फरमाएं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस आस्ताने पर दुआएं जल्दी कबूल होती है और ये आस्ताना नहायत ही मुजर्रब है दुआओं की कबूलियत के हवाले से। बारहा इस चीज़ को आजमाया गया है कि यहाँ मांगी हुई मुरादें रद्द नहीं होती, मांगने वालों को देखा नहीं जाता बल्कि अता कर दिया जाता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इस बारगाह के सदके काफ़िले में आए हुए तमामी हजरात को मन मानी मुरादें अता फरमाए, मन मांगी मुरादें अल्लाह ताला नसीब फरमाए और अल्लाह जिस जिस के दिल में जितनी तमन्नाएं सब की तमन्नाएं पूरी फरमाएं। अल्लाह हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। इस वक्त हम असदुल औलिया वल आरिफीन हज़रत सैयदी बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर हाजिर हैं। बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैयदना इमाम आज़म इमामुल अइम्मा नौमान बिन साबित की औलाद में से है और आपका नसब सिर्फ 11 वास्तों से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला से जा कर के मिलता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के इकलौते साहबजादे हज़रत हम्माद जिनको अब्दुस्सलाम भी कहते हैं, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की औलाद में से। आप हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाही ताला अलैह हांसी में आपकी विलादत बसआदत हुई, इसलिए कि आपके वालिदैन हांसी में रहते थे और हज़रत शेख जमाल हांसवी रहमतुल्लाही ताला अलैह जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अजीम खुलफा में से हैं। आपने अक्सर हज़रत साबिर पाक के तस्करे में हज़रत शेख जमाल हांसवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र सुना होगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उसी की खिलाफत को बाकी रखते थे जिसकी खिलाफत पर शेख जमाल हांसवी रहमतुल्लाह अलैह तस्दीक फरमाते थे। तो ये रिश्ते में हज़रत शेख जमाल हांसवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे होते हैं, शेख जमाल हांसवी इनके मामू होते हैं। हांसी में आपकी विलादत हुई, पूरा ख़ानदान पहले से सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त से वाबस्ता था। तो सिर्फ 19 साल की उम्र में आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत से मुस्तफ़िज़ हुए। अभी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह का इतना चर्चा भी नहीं हुआ था, तभी से बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाहि अलैह आपकी सोहबत में रहते थे सिर्फ 19 साल की उम्र से। जिस वक्त गयासपुर में यानी दिल्ली शहर के किनारे आपने अपनी खानकाह को बनाया तो उस वक्त भी बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ थे। इससे पता चलता है कि पीर से आपकी मायत और आपकी सोहबत कितनी तवील और कितनी पुरानी है। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पीर और मुर्शिद सैयदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बेपना मोहब्बत उल्फत और अकीदत थी। चूँकि यहाँ पर पहले इनके छोटे भाई हज़रत सैयद मुंतजिबुद्दीन जिनको जरजरी बख्श दूल्हा मियाँ के नाम से याद करते हैं, पहले वो आए थे। तकरीबन इनकी आमद से 17 साल पहले वो तशरीफ़ लाए,
इंशाल्लाह उनके तस्करे में बाकी गुफ्तगू होगी। तो चूँकि उनका विसाल हो गया छोटी सी उम्र में, तकरीबन 34 साल की उम्र में सिर्फ उन्होंने पर्दा फरमा लिया, तो उनके विसाल के बाद इस इलाके में ज़रूरत थी कि कोई सिलसिले चिश्तिया का बेहतरीन दाई इस सरज़मीन पर पहुँचे और यहाँ पर शिर्क और कुफ्र में डूबे हुए लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, चूँकि इनका नाम बुरहानुद्दीन है, गरीब का लकब आपके मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया ने अता फरमाया था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बाबा गरीब, अब तुम्हारे भाई का विसाल हो गया है तो तुम जाओ। हालांकि हैरत की बात यह है कि उस दौर में तार, टेलीफोन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जिस दिन हज़रत मुंतजिबुद्दीन अलैहि रहमा का विसाल हुआ, उसी दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अब आपको देवगढ़ जाना है, यानी दौलताबाद की तरफ, दक्कन की तरफ जाना है, क्योंकि तुम्हारे भाई का विसाल हो गया है। तो आप तो पहले रोए कि भाई तो दुनिया से चला गया, लेकिन फिर अर्ज़ किया कि सरकार, आपकी नालायन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। आपके एक मसल मशहूर है ना कि आपके कदमों को छोड़ के कहाँ जाऊँ, आपकी जूतियों को छोड़ के कहाँ जाऊँ। तज़रत महबूब इलाही से कहा कि आपकी नालायन में रहना चाहता हूँ, यानी आपके करीब रहना चाहता हूँ, नालायन छोड़कर जाना नहीं चाहता। तज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, एक काम करो, मेरी नालायन के बगैर नहीं रख सकते, नहीं रह सकते, तो नालायन ही साथ में लेकर चले जाओ, मैं अपने नालायन आपको दे देता हूँ। तो फिर आपने फौरन दूसरी चीज़ अर्ज़ की कि हुजूर, आपकी महफिल को छोड़कर, मजलिस को छोड़ के कहाँ जाऊँ। फरमाया, एक काम करो, मजलिस भी साथ में लेकर जाओ, मजलिस भी मैं आपको सौंपता हूँ। इस तरह से तकरीबन कम व बेश 1400 औलिया उस वक्त तो महफिल में मौजूद थे। आपने 1400 औलिया के साथ जो वो बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को रवाना किया, उसी को मौर्रखीन ने 1400 पालकी भी लिखा है। यहाँ कम व बेश 1400 औलिया अल्लाह तशरीफ़ लाए, जिनका ताल्लुक सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त से है। बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए और आने के बाद फिर आपने यहाँ पर लोगों के दरमियान दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया और शिर्क के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बयान किया जाता है कि जिस दिन आप तशरीफ़ लाए, पहले ही दिन आपके हाथ पर 1000 काफिरों ने इस्लाम कबूल किया और वो सिलसिले चिश्त और अहले बहिश्त में दाखिल हुए। आप 4 भाई और 5 बहनें, तो तारीख़ में आता है कि आपके 2 भाइयों के अलावा आप का पूरा ख़ानदान, यानी सारी बहनें और सारे भाई इसी शहर के अंदर मदफून है। अगरचे उसमें मुहर्रखीन ने इख्तलाफ किया हुआ है और हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इससे बड़ी और शान क्या होगी। बस क्या अजीम शान की ये ज़ात है कि अगर किसी का मुरीद किसी की तारीफ़ करे तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर मुरीद अपने पीर की तारीफ़ करता ही है। एक दिन हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में ज़िक्र निकला सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायजीद बुस्तामी का। अब ये बायजीद बुस्तामी कौन है तो बहुत लंबी हो जाएगी, जो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इतना समझ लें कि बायजीद बुस्तामी वो हैं जो फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से अल्लाह का जलवा ओझल हो जाए तो उस वक्त मैं अपने आप को काफिर समझने लगूँ। एक लम्हा भी जलवाए खुदा व रसूल मेरी निगाह से अगर ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूँ, यानी हर लम्हा में यार के मुशाहदे में मसरूफ़ हूँ। तो महबूब इलाही की दरबार में जब जिक्र निकला सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी का, ये बायजीद कौन है? सैयदुत ताइफा। हज़रत जुनेद बगदादी ने फरमाया कि बायजीद बुस्तामी को अल्लाह की बारगाह में वलियों में वो मकाम हासिल है जो जिब्रील अमीन को सारे फरिश्तों में मकाम हासिल है। तो हज़रत बायजीद की तारीफ़ हो रही थी, बायजीद वो जो वलियों में जिब्रील की तरह है, जैसे जिब्रील फरिश्तों में है वैसे वलियों में बायजीद है। बायजीद हर लम्हा खुदा व रसूल के जलवों में मसरूफ़ है, मुशाहदे हक में मसरूफ़ है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा कि सरकार, बायजीद के बाद अब कोई बायजीद क्या ज़मीन के ऊपर हो सकता है? बायजीद बुस्तामी के बाद अब कोई बायजीद जैसा हो सकता है? तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया,
मेरा जो मुरीद है जिसको दुनिया बुरहानुद्दीन गरीब कहती है वो मेरा बायजीद बुस्तामी है। तो जिसके लिए हज़रत महबूब इलाही फरमाएं कि मेरा बायजीद बुस्तामी बुरहानुद्दीन गरीब है, उनकी शान और इनके मर्तबे का आलम क्या होगा। और इनके पीर महबूब इलाही और इनके मुरीद बाईस ख्वाजा जैसी हस्तियाँ हैं तो इनके मर्तबे का अंदाज़ा लगाना कुछ आसान नहीं है। एक रिवायत के मुताबिक 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपने इस दुनिया से रहलत फरमाई और यहाँ पर जो है वो आसुदा खाक हुए। अल्लाह ताला इनके फ्यूज़ और बरकात से हम सबको माला माल फरमाएँ, इनकी बरकतें नसीब फरमाएँ और अल्लाह औलिया अल्लाह के सदक़े हम सब की जुमला परेशानियों को, बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमाएँ और सब के दामन को गौहर मुराद से अल्लाह भर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم। इस वक्त हम खुल्दाबाद शरीफ में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरहन शरीफ के पास हाजिर हैं। क़ुरान मुकद्दस में अल्लाह ने ताबूत सकीना का ज़िक्र फरमाया है और ताबूत सकीना के मुतालिक हदीस पाक में आया है कि जब तक ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास रहा उनका हर दिन तरक्की कर रहा और वो ताबूत सकीना को सामने रखकर जो भी दुआ करते थे अल्लाह उन्हें उसे कबूल करता था और जंग में ताबूत सकीना को वो आगे रखते थे और उसकी बरकत से अल्लाह उनको फ़तह नुसरत अता फरमाता था। तफसीर में आया है कि ताबूत सकीना के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े और उनकी नालैन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का असा, मन सलवा, यानी बहुत सारे तबरुकात उसके अंदर मौजूद थे। अब बात यह है कि ताबूत सकीना में अगर और अम्बियाए किराम की नालैन, कपड़े और मन सलवा का बचा कुचा हिस्सा मौजूद हो तो उसकी बरकत से दुआएं कबूल होती है। तो यहाँ तो ताबूत सकीना से बढ़ कर के चीज़ है यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ जिसको हुज़ूर अलैहि सलाम ने ज़ेबतन फरमाया। और इस जुब्बे की ख़ास बात यह है कि यह जुब्बा हुज़ूर अलैहि सलाम का वो जुब्बा शरीफ है जो हुज़ूर अलैहि सलाम मेराज पर पहनकर तशरीफ़ ले गए थे। इस जुब्बे की बड़ी ख़ासियत है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम इस बारगाह में हाजिर हैं, हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें कम है। यहाँ दुआएं कबूल होती है, बड़े बड़े औलिया ने यहाँ पर हाज़िरी दी, बादशाहों ने हाज़िरी दी और मन की मुरादें पाईं। दरअसल ये जुब्बा जो है वो सिलसिला दर सिलसिला हर दौर में आगे बढ़ता रहा, बिल आखिर ये हज़रत बाईस ख्वाजा के पास आया। इस जुब्बे की थोड़ी सी तफसील यह अर्ज़ करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से एक साल पहले जब रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने यारों को जमा किया, सहाबा को जमा करके सरकार ने पूछा कि ये जो जुब्बा है हुज़ूर के बदन पर, सरकार ने फरमाया कि मैं उसको दूंगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बात बताई है कि इस तरह की बात जो करेगा ये अमानत उसी को सौंपी जाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर चूँकि बहुत नेकी करने में, बहुत आगे बढ़ने में तेज़ थे, उनसे कभी कोई नेकी में आगे बढ़ नहीं पाता था। तो चूँकि वो जुब्बा वो भी फिर सरकार मेराज पर पहन कर तशरीफ़ ले गए। आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा अगर मदीने मुनव्वरा सरकार की बारगाह की हाज़िरी में एक आम इंसान गुनहगार जो कपड़े पहन लेता है, हम उन कपड़ों कितनी इज्जत की नज़र से देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद किसी मज़ार पर पड़ी हुई चादर को कितनी इज्जत की नज़र से देखते हैं। ये तो किसी मज़ार की चादर नहीं है बल्कि हुज़ूर के जिस्म से लगा हुआ जुब्बा है और फिर वो भी वो जुब्बा
जो हुजूर अलैहिस्सलाम पहन कर मेराज पे खुदा का दीदार करते हैं। दीदार किस तरह हुआ, क्या हुआ, इसको तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन हुजूर मेराज पर जुब्बा पहन कर गए थे, ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है। तो आप तशरीफ़ लाएँ तो फरमाया कि कौन कहता है, मेरे दिल की बात कहो ताकि ये अमानत मैं उसको सौंप दूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा आका मुझे दे दें, अगर आप ये मुझे इनायत करें तो मैं सदाकत से ज़मीन को भर दूँ। सरकार ने फरमाया बात तो बड़ी है आपकी, लेकिन ये वो बात नहीं है जो मेरे अल्लाह ने मुझे बताई। फारूक़ आज़म ने कहा हुज़ूर मुझे दे दें, अदल से कायनात को भर दूँगा। सरकार ने फरमाया ये बात भी बड़ी है, लेकिन ये वो नहीं है जो अल्लाह ने मुझे बताई। सरकार उस्मान गनी ने कहा सरकार मुझे दे दें, मैं सखावत से ज़मीन को भर दूँगा, इतनी सखावत करूँगा कि ज़मीन सखावत से भर जाएगी। सरकार ने फरमाया बात ये भी बड़ी है, अल्लाह का बड़ा पसंदीदा अमल है सखावत, लेकिन ये वो बात नहीं जो मेरे अल्लाह ने मुझे बताई। मौलाए कायनात ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा अगर आप मुझे इनायत फरमा दें तो मैं जिसका भी ऐब देखूँगा उसके ऐबों पे पर्दे डाल दूँगा। सरकार ने फरमाया अली यही बात है जो मेरे अल्लाह ने मुझसे कही थी कि जो इस तरह की बात करें उसी को ये जुब्बा अता करें, क्योंकि लिबास का काम ऐबों को छुपा देना है, लिबास ऐबों को छुपा देता है। तो कहा कि जिसके भी ऐब देखूँगा ऐब छुपा दूँगा। हुज़ूर ने कहा ये खरका आपका है। जुब्बा हुज़ूर ने उनको अता फरमाया। इससे ये भी पता चला कि ऐबों को छुपाना कितनी बड़ी बात है, कि ऐब छुपाने की जो बात करता है हुज़ूर मेराज से जो जुब्बा पहन कर आते हैं वो उसको अता फरमाते हैं। फिर वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को मिला, फिर वो जुब्बा उनसे हज़रत हबीब अजमी को मिला, फिर वो जुब्बा उनसे सिलसिला दर सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हज़रत सैदना फ़ज़ैल इब्न अयास को मिला, फिर उसके बाद इब्राहिम इब्न अदहम को मिला। ऐसे ये सिलसिला दर सिलसिला ये जुब्बा सरकार गरीब नवाज़ के पास आया और हर एक ने उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा। और खलीफा तो सबके बहुत थे, बहुत खलीफा थे, लेकिन जो ख़ास खलीफा होता था ये नेमत उससे अता की जाती थी। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज़ को दिया, गरीब नवाज़ ने बाबा कुतुब को दिया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फ़रीद को दिया, बाबा फ़रीद ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दिया, महबूब इलाही ने हज़रत सरकार बाबा बुरहानुद्दीन गरीब को दिया, और बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ने सरकार बाईस ख्वाजा सैयद दाऊद हुसैन ज़ैनुद्दीन शिराज़ी को अता फरमाया। जब आपके विसाल का वक्त करीब था तो आपके बहुत सारे खुद्दाम खड़े थे और कहते थे हज़रत कुछ वसीहत कर दें, हज़रत कुछ वसीयत कर दें। सरकार फरमाते थे मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो जुब्बे की अमानत है अब मेरे बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इसका हक अदा कर सकेगा, इसलिए मैं ये अमानत अब किसी को नहीं दूंगा, क़यामत तक ये अमानत मेरे पास ही रहेगी। और आपने उसको अपने पास रखकर बस इतना फरमाया कि जब भी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आए मैं जैसे ज़्यारत कराता रहा, मेरे मशायख ज़्यारत कराते रहे, उसी तरह तुम भी ज़्यारत कराते रहना। उस दिन से लेकर आज तक ये जुब्बा शरीफ है। मुझे यहाँ के मोतबर लोगों ने बताया कि जुब्बे शरीफ से कुछ लोगों को कुछ अदावत हो गई और उन लोगों ने सोचा कि जुब्बे को जला दें। चंद साल पहले की बात है, इत्र में तेज़ाब मिला करके लाए और उन लोगों ने जो है खुदाम को पेश किया। मुझे यहाँ के जो मेरे करीबी दोस्त हैं खुदाम में और बहुत मोतमद लोग हैं जो यहाँ खिदमत करते हैं, उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया कि तेज़ाब मिला हुआ इत्र पैरहन शरीफ के लिए जब पेश किया गया तो पैरहन पर सादा दिल खुदाम ने उसको डाला, और डालने के बाद मगर ये मंज़र देखा कि ऊपर नीचे के जो कपड़े पैरहन शरीफ से लगे हुए थे वो जल गए, लेकिन पैरहन शरीफ महफूज रहा। आज भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये ज़िंदा मौजज़ा लोगों ने देखा। उसके बाद मुझे पता चला कि खुदाम ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम किसी का इत्र कबूल नहीं करेंगे। तो ये पैरहन शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजूद है। अल्लाह पैरहन शरीफ की बरकतें हमें नसीब फरमाएँ। इस मुबारक पैरहन के सदक़े अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाएँ, ज़िंदगी की हर नामुरादी से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह हमारी बुरी तकदीरों को भली फरमाएँ, सोए हुए मुकद्दर को अल्लाह बेदार फरमाएँ, और अल्लाह पैरहन अक़दस के सदक़े हमें ऐब छुपाने की तौफीक दे और अल्लाह हमारे अयूबों का खात्मा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم الحمد لله اس وقت ہم حضرت خواجہ سید منتجب الدین زرزری بخش دولہ میاں رحمت اللہ علیہ کے بافیض آستانے پر حاضر ہیں. یہ حضرت سیدی منتجب الدین زرزری بخش دولہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں, اور وہ آپ سے تقریباً 17 سال پہلے دکن کی سرزمین پر خلد آباد شریف اپنے پیر و مرشید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حکم سے تشریف لائے تھے. بت قدوں میں نور ایمان کو روشن کیا, لوگوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنایا. آپ کی ولادت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر ہاشمی میں ہوئی. شیخ جمال الدین ہاشمی آپ کے ماموں ہیں, اور ہاشمی میں ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. والدین بڑے نیک پرہیزگار متقی تھے. آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. اور آپ کے متعلق یہ آیا ہے, بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے, لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. آپ کی بیعت و ارادت کے معاملے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض بابا فرید کا مرید و خلیفہ بتاتے ہیں, اور بعض حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید و خلیفہ بتاتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بچپن ہی سے پیشانی کے اندر ولایت کا نور لوگوں نے دیکھا. بچپن ہی سے آپ کو ذکر و اذکار اور مراقبہ وغیرہ میں کافی دلچسپی تھی, اور چھوٹی سی عمر سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل تھے. اور مختصری سی عمر میں آپ کو حضرت محبوب الہی کا دامن ملا, اور انہی کے حکم سے آپ یہاں تشریف لائے. یہاں آنے کے بعد آپ نے توحید کا اجالا پھیلایا, لیکن زندگی نے وفا نہ کیا, اور آپ صرف 34 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کو زرزری زربخش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مراقبے مجاہدے ذکر اذکار کثرت سے کرتے تھے. جب آپ نے محنت شاقہ کر کے, بہت محنت و مشقت کر کے ولایت میں ایک منزل ہے جس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں, وہ مقام محبوبیت حاصل کی, تو آپ کو ہر روز تہجد کے وقت زر کے دوشالے ملا کرتے تھے. صبح کو آپ اس کو بیچ کر غریبوں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے. اس لیے آپ کو زر بخش بھی کہتے ہیں. اور آپ کو زر بخش کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیبی طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو زر عطا فرماتا تھا, جس کو صوفیہ کی زبان میں دست غیب بھی کہتے ہیں. تو اس بنیاد پر آپ کو زر بخش بھی کہا جاتا ہے. البتہ وہ آپ نے کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ رات کو اللہ کی طرف سے نعمت ملی, اور صبح کو آپ نے اس کو فروخت کر کے غریبوں میں یتیموں میں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا. بالآخر 7 ربیع الاول شریف کو آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. اس آستانے کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت منتجب الدین زرزری بخش دولہا رحمت اللہ علیہ چھوٹے بھائی ہیں, اور بابا برہان الدین غریب بڑے بھائی ہیں. لیکن چونکہ ان کی زندگی طویل ہوئی, اور ان کے بعد وہ تشریف لائے,
तो इनके उर्स का एहतमाम उन्होंने फरमाया और इसका इजरा भी उन्होंने फरमाया। शायद इसी बुनियाद पर खुलदाबाद शरीफ के तमाम आरास में सबसे बड़ा उर्स यहाँ पर मनक़िद होता है और ये आस्ताना बहुत बाफैज़ भी है। अल्लाह तबारक व ताला इनकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाएं और ये इस आस्ताने की इस सफ़र की हमारी आखिरी हाज़िरी है। मैं यहाँ पर आप सबका मशकूर हूँ, बिलखुसूस हमारा जो चैनल है रेसाइट टुडे, जिसके तवस्सुत से हमने तमाम औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को बहुत मुख्तसर पैराए में बयान की। हालांकि एक एक वली की ज़िंदगी पर मिनटों गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन हमारे नाजरीन और सामईन की तबीयत पर बार न हो इसलिए हमने बहुत इख्तिसार से काम लिया और कोशिश ये भी रही कि मुख्तसर सा तारुफ इन अल्लाह वालों का पेश कर दिया जाए ताकि हाजिर होने वाले जब हाजिर हों तो मज़ीद दिलचस्पी के साथ वो हाजिर हों और जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मज़ीद मालूमात नसीब हो जाए। तो जो अब तक हाजिर ना हो सके इन बड़ी बारगाहों में, अल्लाह उनके लिए हाज़िरी के असबाब पैदा फरमाएं। और हमारे काशिफ भाई और हमारे रिजवान भाई और दीगर तमाम साथियों का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया रिसाइट टुडे के ज़रिए से कि हमने आपके सामने औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस छोटी सी खिदमत को कबूल फरमाए, मेरे और आप सब के लिए आखिरत में ज़रिए निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रहीम सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। इस वक्त हम जिस आस्ताने पर हाजिर हैं ये हज़रत सैयदी जलालुद्दीन गंजे रवा रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। खुलदाबाद शरीफ में यूँ तो 1400 से ज़ायद औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं और भी हैं, एक ही वक्त में 700 और 700 तकरीबन 1400 औलिया किराम तशरीफ़ लाए। उनसे पहले भी कुछ आए, फिर उनके बाद भी कुछ आए, लेकिन इस आस्ताने की खसूसियत ये है कि खुलदाबाद शरीफ में यानी दक्कन के इस इलाके में सबसे पहले अगर कोई वली ज़मीन पर आया है तो वो यही बुज़ुर्ग है हज़रत सैयदी जलालुद्दीन गंजे रवा रहमतुल्लाह अलैह। इनकी आमद का जो सन है वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का जो दौर था दिल्ली में, उसी दौर में आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब उस दौर का अगर हिसाब लगाया जाए तो अगर वो बहुत जल्दी आप उसको गिनेंगे तो वो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दौर है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दादा पीर हैं, और अगर उसमें और आप ताखीर करेंगे तो वो कम से कम बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का दौर है जो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं। तो इससे पता चलता है कि हज़रत बाबा बुरहानुद्दीन गरीब से पहले हज़रत बाईस ख्वाजा से, जाहिर सी बात है बाईस ख्वाजा तो बाद में आए, हज़रत जज़री बख्श दूल्हा से पहले ये तशरीफ़ लाए हैं हज़रत सैयदी जलालुद्दीन गंज रवा रहमतुल्लाह अलैह। इनकी पैदाइश एक रिवायत के मुताबिक बुखारा के अंदर हुई, ये बुखारी हैं और बुखारा के अंदर इनकी विलादत हुई है। बाज़ लोगों ने इनको खरकानी भी कहा है। हज़रत जलालुद्दीन गंजे रवा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब आमद आमद हुई तो आप इसको सुन चुके हैं और आप जानते भी हैं कि ये इलाका कुफ्रिस्तान बना हुआ था। आपने तौहीद के नगमों से इस इलाके को नूर ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। आपकी बहुत सारी करामतें हैं, उनमें से एक करामत ये है कि आपके यहाँ का जो फल है वो फल जो है वो अगर ऐसी औरतें खा ले जो औलाद की नेमत से महरूम है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको
औलाद की नेमत नसीब फरमाता है। चूँकि आम तौर पर जिस दौर में ये बुज़ुर्गान दीन तशरीफ़ लाए तो काफिरों के सामने तकरीरें तो नहीं की जा सकती थी, बहुत सारी कुरानी आयतें भी उन्हें नहीं समझाई जा सकती थी। तो इन लोगों ने जो दावत व तबलीग का तरीक़ा इख्तियार फरमाया था वो ये है कि खिदमत खल्क के ज़रिए से इन्होंने लोगों को अपने करीब किया, और जब लोगों को फ़ायदा हुआ तो लोग ख़ुद ब खुद कुरान और सुन्नत से दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब आ गए। आपकी बड़ी मशहूर सी करामत ये है कि ये जो फल है इसे जो भी औरत खाए वो साहिब औलाद हो। साइंसदानों ने भी तहकीक की है इन फलों पर, तो फलों पर तहकीक करके वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कुदरती तौर पर इन फलों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी है कि जिसको खाने से औलाद पैदा हो सकती है। यानी इन फलों की साइंस भी तायद कर रही है। और एक मशहूर सी करामत आपकी और भी है कि जिस वक्त ये चर्चा आम हुआ कि हज़रत गंजे रवां रहमतुल्लाही ताला अलैह के आस्ताने का फल खाने वाला अगर फल खा ले तो अल्लाह ताला उससे औलाद नसीब फरमाता है, तो एक ख्वाजा सरा जिसे आप अपनी ज़बान में हिजड़ा कहते हैं, जाहिर सी बात है ना उसका शुमार मर्दों में है ना उसका शुमार औरतों में, तो उसने जो है वो अज़राए तमस्खुर ऐसा किया कि अगर इसी से औलाद मिलती तो ज़रा मैं भी खाऊं। उसने खाया, लेकिन ये अल्लाह की वली की करामत कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको भी औलाद अता फरमाई। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक आपके आस्ताने के दाईं तरफ मस्जिद के करीब में उसकी कब्र भी मौजूद है और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कब्र भी मौजूद है। यानी कि शवाहिद मुकम्मल तौर पर इसके यहाँ पर नज़र आते हैं। आपने दीन मतीन की खिदमत की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, बिल आखिर आप जो है वो सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम खुल्दाबाद शरीफ में हज़रत सैयद मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाही ताला अलैह के आस्ताने पर मौजूद हैं। हज़रत सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाही ताला अलैह 17 वास्तों से सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की औलाद में से होते हैं, और आपका ताल्लुक़ हुसैनी सादात से। सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बचपन अपने वतन में गुजारने के बाद आप मज़ीद हुसूल तालीम के लिए बगदाद मौला का रुख करते हैं, और वहीं पर आप अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं। और खुशनसीबी ये कि आपको हज़रत सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जैसा पीर मुर्शिद मिल जाता है। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में हम कादरियों के पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया कि शहाबुद्दीन तेरे बाद क़ियामत तक इराक़ की सरजमीन तुझ जैसा वली नहीं देखेगी। इतने अजीम और जलीलुल क़द्र वली हैं। आपकी मशहूर तसनीफ़ अल अवारिफुल मुआरिफ ये तसव्वुफ़ की इतनी अजीम किताब है कि सूफिया फरमाते हैं अगर किसी को पीर कामिल न मिले तो अवारिफुल मुआरिफ को वो अपना पीर बना ले, इंशाल्लाह वो मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। तो साहिब अवारिफुल मुआरिफ शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी से आप मुरीद होते हैं, और सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाही ताला अलैह जब मुर्शिद की निगाह कीमिया असर से अपनी मंजिलों को तय करते हैं और आप मकाम विलायत में जो है वो एक मकाम हासिल कर लेते हैं
तो पीर व मुर्शिद के हुक्म पर आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं और हिंदुस्तान आने के बाद आपने दक्कन को अपना मस्कन बनाया और पीर व मुर्शिद के हुक्म पर जब आप दावत दीन के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए तो आप चंद लोगों को लेकर इसी सरज़मीन पर पहाड़ों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने के लिए बैठ गए। लोग जोक दर जोक आते रहे और आकर के आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करते रहे। बादशाह वक्त को ख़बर दी गई कि चंद फ़कीर आए हैं और वो लोगों को हमारे मज़हब से बेजार करके इस्लाम में दाखिल करते हैं, तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चंद पुलिस को भेजा और कहा कि जाओ और उस फ़कीर को मार पीट कर भगा दो। हुज़ूर सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जब पुलिस आपको गिरफ़्तार करने या भगाने के लिए आई तो आप अपने साथियों के साथ मुराकबे में थे। आपके चेहरे पर लोगों की नज़र क्या पड़ी, इतनी हैबत तारी हुई कि आए और आ करके मुराकबे की महफिल में वो पुलिस वाले भी बैठ गए। बहुत देर हुई, जब वो वापस न गए तो बादशाह ने मज़ीद पुलिस को भेजा, वो भी आए और आने के बाद वो भी बैठ गए, वो नहीं गए। उसके बाद जब फिर उनके बहुत देर ताखीर हो गई उनको यहाँ आने में, तो फिर बादशाह ने अपनी सिपाह को भेजा कि क्या हो रहा है, ज़रा जा कर के देखो। हज़ारों की तादाद में सिपाही आए तो उन पर भी हज़रत की नज़र पड़ी और वो भी तासीर से इस कदर ढेर हो गए कि वो सब भी बैठ गए। अब कोई ना था, बादशाह परेशान हो रहा था। उसकी परेशानी को उसकी बेटी ने देखा तो कहा, अब्बाजान क्या तकलीफ़ है। सारा माजरा बादशाह ने कह सुनाया तो उसकी होशियार बेटी ने कहा कि अब्बाजान मैं जाती हूँ और जा कर के ख़बर लाती हूँ कि मामला क्या है। जैसी वो लड़की आई तो उस पर भी हज़रत ने एक नज़र मोहब्बत डाली तो वो लड़की ने कहा कि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। आपने उसको इस्लाम की दौलत अता फरमाई और उसके बाद आपने उसको अपने पास रखा, बेटी बनाया, आपने उसको बेटी का दर्जा अता फरमाया और उसको कुरान मुकद्दस हिफ्ज भी कराया। लेकिन चूँकि जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपने जो है वो सबको इजाज़त दे दी और छुट्टी दे दी, हत्ता कि वो लड़की ने सरकार मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के करीब रहकर हिफ्ज़ की सआदत हासिल की, इल्मे दीन हासिल किया और वो भी विलायत की आला मंजिल पर फाइज हुई। इस तरह से हज़ारों लोगों को हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों की तासीर की बरकत से ईमान की दौलत नसीब हुई, सिरात मुस्तकीम पर वो गामजन हुए और बिल आखिर हज़रत सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो एक रिवायत के मुताबिक 19 सफ़र को इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर गए और आपका मज़ार मुकद्दस आज भी मरजे खलाइक है। दक्कन की सरज़मीन पर दूसरे नंबर पर आने वालों में पहले नंबर पर हज़रत जलालुद्दीन गंजी रवा हैं और दूसरे नंबर पर इस सरज़मीन को फैज़ अता करने वाली ज़ात हज़रत सैयदी मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत के फ्यूज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमाएँ और इनकी बरकतों से अल्लाह हमारी बुरी तकदीरों को भली फरमाएँ और जहान की नेमतों से माला माल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम दौलताबाद शरीफ में सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के अजीम बुज़ुर्ग हुज़ूर सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई व मौलाई सैयदना शेख बहाउद्दीन अंसारी शुत्तारी लंगोटबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने अर्श मकाम पर हाजिर है। ये सैयदना शेख बहाउद्दीन अंसारी कादरी शुत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हरियाणा में करीब सरहिंद के आपकी विलादत बासआदत होती है। आपने बड़े बड़े अहले इल्म से उलूम की तकमील फरमाई और ज़ाहिरी उलूम की तकमील के बाद आप मुर्शिद कामिल की तलाश में निकले। मुकद्दर ने यावरी की और अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला के सातवें जानशीन जो उनकी औलाद में से थे शेख अबू अहमद
अब्बासी अल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा पीर व मुर्शिद आपको अता फरमाया, और मुर्शिद ने नज़रे कीमिया असर डालकर आपके दिल के हालात को बदल दिया और आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा इनकलाब पैदा फरमाया। पीर व मुर्शिद ने देखा कि जब मुरीद सुलूक की मंजिलें तय कर चुके और आला मंजिलों पे फाइज हो चुके तो आपने हुक्म फरमाया कि हिंदुस्तान जाओ और जाकर वहाँ जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग करो। हुजूर सैयदी बाहुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म पर यानी सरकार गौसे पाक के जो सातवें जानशीन थे नकीबुल अशराफ शेख सैयद अबू अहमद अब्बासी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके फरमान पर वारिद हुए दौलताबाद शरीफ के अंदर, और आपने दीन मतीन की खिदमत की। आपने इल्मी खिदमात बड़े पैमाने पर अंजाम दी है, और जिस वक्त आपका आखिरी वक्त आया तो आपका विसाल एक अजीब हादसे की वजह से हुआ है जिसको सुनकर और पढ़कर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। वो ये है कि आपका जब आखिरी दौर था, ज़ईफ़ी का ज़माना था, तो आपको खुशबू बहुत पसंद थी। एक मुरीद आपका मानने वाला अंबर और मुश्क की खुशबू लेकर के आता है, और वो खुशबू सूंघते हुए आप उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि उसी हालत में आप जान जाने आफरी के हवाले फरमा देते हैं। यानी किसी का इंतकाल तलवार से हुआ, किसी का इंतकाल डंडों से हुआ, किसी का इंतकाल कभी दिल के दौरे से भी होता है, लेकिन खुशबू सूंघ कर किसी का इंतकाल होना ये एक अजीब सी बात महसूस होती है जो सरकार बाहुद्दीन अंसारी की ज़िंदगी में हमें नसीब होती है। आपका विसाल हुआ, बाज़ लोग कहते हैं कि आपका विसाल 19 सफरुल मुजफ़र को 921 में हुआ, और बाज़ लोग कहते हैं कि 1921 ही थी लेकिन ज़िलहज्जा की 13 तारीख थी। इसमें इख्तलाफ़ है, बाज़ लोग 19 सफ़र कहते हैं, बाज़ लोग 13 ज़िलहज्जा कहते हैं। बहरहाल ये बड़ी अजीम हस्ती है, इनकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से होगा कि सिलसिले क़ादरिया का फैज़ान पूरे हिंदुस्तान में यहीं से जारी व सारी है। आप हज़रत वारिस देवा का नाम सुनते हैं, हज़रत वारिस पाक भी इसी खानकाह के जारूब कशों में हैं। मारैना मुतहरा में जो सिलसिले क़ादरिया का फैज़ान है वो भी यहीं से गया हुआ है। इसी तरह कालपी शरीफ में जो सिलसिले क़ादरिया का फैज़ान है वो भी यहीं से गया हुआ है। इसी तरह से मसूली शरीफ और दीगर खानकाहों के अंदर जो बदायूं शरीफ में भी जो सिलसिले क़ादरिया का फैज़ान है वो भी यहीं से गया हुआ है। ये इतनी अजीम खानकाह है, अगर इसको सिलसिले क़ादरिया के मराकिस का मरकज कहा जाए तो बेजाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस बारगाह आली जाह में मौजूद है। अल्लाह ताला हुज़ूर सैयदी बाहुद्दीन अंसारी शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमाएँ और दारैन की सआदतें नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।